नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माइनॉरिटी मोर्चा के इरफान अहमद से बातचीत की, क्योंकि वो लंबे समय से यहाँ पर कैंपिंग किए हुए हैं और वो प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने पुंछ, राजौरी, डोडा और मुस्लिम बहुल एरियों में प्रचार किया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं इरफान अहमद, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं माइनॉरिटी मोर्चा के। इरफान साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। और बड़ी जिम्मेदारी बन गई है आपकी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में DDC के इलेक्शन चल रहे हैं और इस इलेक्शन में आपका रोल, जो आप बतौर प्रचारक यहाँ पे आया, स्टार प्रचारक, आपके रोल बन जाता है। आपने जिन जगहों पर प्रचार किया है पार्टी का, उम्मीदवारों का, वहाँ क्या हालात आपको लगते हैं? यहाँ पे जम्मू कश्मीर UT में जो मेजॉरिटी में है और इंडिया में माइनॉरिटी में, उन जगहों पर अब क्या हाल है? नहीं नहीं सबसे पहले तो मैं बहुत गर्व के साथ आपको बता सकता हूँ, मुझे फख्र है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। और यहाँ पर एक कार्यकर्ता के नाते जो है वो प्रचार और प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, हमारे जो इस देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो पूरे देश में उन्होंने कितना बड़ी जो है क्रांति जो है विकास के माध्यम से उन्होंने करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर उसी जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाते हुए जगह जगह हम जा रहे हैं। जैसे मैं राजौरी गया, डोडा गया और कई जगह गया हूँ, तो मैं वहाँ के उम्मीदवारों से भी मिला, मेरे साथ उन्होंने प्रचार भी किया और जो भी पार्टी ने वहाँ पर वरिष्ठ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाया हुआ है उनसे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ और हम बहुत ही छोटी छोटी जगह में गए। कोई ऐसा हमारा मिशन नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी रैलियाँ करें, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता से पीपल टू पीपल कैसे कॉन्टैक्ट हो, यहाँ की जनता को कैसे हम बताएँ कि अब तक जो है आप लगातार 70 साल तक जो एक यहाँ पर एक गैंग काम कर रहा था उसके चुंगल में आप लगे रहे, आपको बंधुआ मजदूर की तरीके से उन्होंने रखा, आपकी तरफ जो है ना बिजली, ना सड़क, ना पानी, आज तक जो है आपको अंधेरे में रखा और जम्मू में खुद रोशनी में बैठे रहे जी। लेकिन इरफान जी, सवाल ये उठता है कि जो आपका अनुभव सरकार का रहा है, एक जम्मू के लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि BJP की अगर सरकार रियासत में आती है तो ना जाने कितना बदलाव होगा। वो 2.5-3 साल का अनुभव पब्लिक आज सवाल पूछती है बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आपको इतना 2.5-3 साल का समय मिला और आपने कोई बदलाव नहीं किया, आज हम कहते कि चुंगल में फंसे हुए। नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप विनोद जी, आप हमारे बहुत ही सम्मानित जो है वो पत्रकार हैं, अपने का पूरे देश का अनुभव है जी और जम्मू कश्मीर की पल्स को आप जानते हैं। हमारा एक तो नंबर एक पे कोई इनडायरेक्ट राज था या कोई डायरेक्ट राज नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर जो मैंडेट मिला था तो वो मैंडेट उस तरीके का था, एक तरफ एक थे, दूसरी तरफ हम थे। तो एक हमारे जो है जब से हमारे प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने एक नारा उन्होंने दिया है सबका साथ सबका विकास का और सबके विश्वास का जी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक ऐसी यहाँ पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बैठ के तय करा, उस टाइम मुफ्ती साहब थे तो मिलकर हमने सरकार बनाने की कोशिश की। लेकिन मुफ्ती साहब के बाद में जब हमें ये लगा कि ना तो हमारी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रही है, ना हमारे इस खित्ते को, रीजन को, जम्मू वाले में कुछ डेवलपमेंट जो है वो सरकार कर पा रही है, तो तुरंत हमने उससे अपना हाथ खींच लिया और उसके बाद की जो भी परिस्थिति का निर्माण हुआ आज जहाँ पर हम आकर खड़े हैं, एक तरीके से डायरेक्ट अगर जो है किसी चीज़ पर हम हैं तो 5 अगस्त के बाद है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जिसको लगभग जो है 1.5 साल हो गया है तब से प्रशासन हमारे हाथ में है। उस टाइम जो प्रशासन था वो एक राज्य सरकार का प्रशासन था, जो हमारे जहाँ पर इतना जो है ना विकास हो सकता था, ना तामीर हुई, ना तरक्की हुई और उन्होंने तो ना घाटी का करा। अगर हम ये भी कहें कि अगर वो वहाँ की मुख्यमंत्री थी तो क्या उन्होंने वहाँ का डेवलपमेंट किया, क्या उन्होंने वहाँ का विकास किया, क्या उन्होंने वहाँ का तरक्की की, कितने उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया या नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़ने का भी उन्होंने काम नहीं किया, वो भी उन्हीं के चुंगल में फंसी रहीं जिनके एक हाथ में भारत का झंडा होता था, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा होता था और वो स्टोन पेल्टिंग का एक बड़ा कारोबार करते थे, तो वो सब उनके चुंगल में फंसी हुई थी। तभी तो हमारी भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया, इतना बड़ा डिसीजन लिया और सरकार से हम हटे और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जो हमारा एक बहुत दिनों से जो एक हमारे मैनिफेस्टो, हमारे मंसूर में लिखा होता था कि 370 को हटाना है, 35A को हटाना है, तो इस देश के पहले ऐसे वजीर आजम हैं, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उसको टच करने की कोशिश की और पूरे जम्मू और कश्मीर में एक शांति का वातावरण हुआ, अमन बहाली हुई
और रोजगार भी आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, और उनको मालूम है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये जिले की सरकार है, उनको डायरेक्ट जो है उसका तामीर और तरक्की उनकी होने वाली है। इसलिए जो मैं जहाँ भी जाकर देख रहा हूँ वहाँ पर वो लोग समझ रहे हैं कि डायरेक्ट हम प्रशासन में नहीं थे, इनडायरेक्ट प्रशासन में थे जी। आज उनको लग रहा है, वो होप है उनके दिमाग में, ये है कि ये आएंगे तो और ज़्यादा हमारी तरक्की होगी। लेकिन इरफान जी, आप 370 और 3500 को रिपील करने को आप में क्रेडिट ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब आपने सत्ता का सुख भोगना था, आपने उस एजेंडा ऑफ अलायंस को नहीं पढ़ा होगा जो जिसके साथ मिलकर के आपने सरकार बनाई थी, उस पर 370 आपको नदारद करना पड़ा था, गायब करना पड़ा था, क्योंकि PDP नहीं मानती थी। यानी जैसा मैंने बताया कि भाई उस टाइम पर मैंडेट ऐसा था कोई भी एक आदमी सरकार बना नहीं सकता था, तो अभी जो उसके साथ गुपकार गैंग में दो और मेंबर जुड़े हैं वो उस टाइम उसके खिलाफ़ लड़े थे, तो हम भी उन्हीं के सब के खिलाफ़ लड़े थे, तो उस टाइम पर वो एक ऐसा नेचुरल गठबंधन जो है लोगों को नज़र आ रहा था, और हमने भी ये उम्मीद रखी थी, ये हमें भी होप था कि हम जो है दोनों को साथ लेकर चलेंगे, बैलेंस जो है बराबर करके चलेंगे तो हम यहाँ की तामीर और तरक्की कर सकते हैं। लेकिन वो उसमें जो है वो पार्टी नाकाम रही और हमें फिर मजबूरी में ये सब काम करना पड़ा, क्योंकि कहीं भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है तो उसके तहत ही चलना पड़ता है। जी लेकिन जैसे हमारी भारत में सरकार आई, हमें ज़बरदस्त मैंडेट जो है 130 करोड़ आवाम ने दिया, तो हमने वो काम करके दिखाया। उससे पहले हमारी अटल जी की भी सरकार थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा था, और ख़ास तरीके से जम्मू और कश्मीर में बहुत अच्छा काम करा था, लेकिन उस टाइम हम पर इतना मैंडेट नहीं था, हम बहुत सारे दलों को साथ लेकर चलते चल के सरकार चला रहे थे। लेकिन जैसे ही 2014 में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला, और 2019 में उसके रिजल्ट को और उन्होंने आगे बढ़ाया, पहले हम 273 थे तो आज 303 हैं, तो जैसे ही 303 हमारे हाथ में आया जी हमने तुरंत उस पर एकदम वार कर दिया, 370 को भी धाराशाही करा, 3500 को भी करा। लेकिन आप मैंडेट की दुहाई देकर के आप सरकार को और अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन क्या मैंडेट में ये लिखा हुआ था ओथ सेरेमनी के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और हम पाकिस्तान का आभार व्यक्त करते हैं, हम आतंकी तंजीमों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पीसफुल इलेक्शन होने दी यहाँ पे? नहीं नहीं हमने कभी मुफ्ती ऐसा सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा? नहीं, हो सकता है क्योंकि हम तो अलग अलग लड़े थे ना जी, वो तो बाद में हमारे कोई अलायंस तो था नहीं जी, कि उस टाइम ना उन्होंने ऐसी बात की होगी। तो जैसे मैंने बताया कि दोनों खित्तों को जी बराबर रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए ये काम हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है हम उसी पर काम करते हैं, और वो हमारी आइडियोलॉजी सबका साथ सबका विकास की आइडियोलॉजी है, सबको साथ ले चलने की आइडियोलॉजी है, सबका जो है विश्वास बहाल करने की जो है हमारी आइडियोलॉजी। उनकी क्या आइडियोलॉजी थी? मेरा साथ मेरा विकास, हमारा सबका साथ सबका विकास, इसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है आप खुद लगा लीजिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे। लेकिन जिस तरीके से आप गुपकार को गैंग, अलायंस को गैंग करार देते हैं, वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, वो दिल से कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी को हमारी जरूरत होती है हमारे साथ मिलकर के वो सरकारें भी बनाते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती है और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी कहती है, तब हम दूध से दुले होते हैं, और जब हम इनका साथ नहीं देते तो हमें राष्ट्रवादी होने का भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है। नहीं नहीं ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर होता है, क्या है कि उनका जो एजेंडा होता है, अगर सपोज करो वो हमारे साथ हो गए तो उस टाइम वो हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन अगर उससे हट गए तो वो एक अलगाववाद की उस पर राजनीति करते हैं, आतंकवादियों को जो है प्रोत्साहन देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कभी भी बर्दाश्त कर नहीं सकती, ना वो अलगाववाद को बर्दाश्त कर सकती है ना आतंकवाद को बर्दाश्त कर सकती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का और हमारे वजीर आजम का बहुत बड़ा दिल है, जैसा हमारा दल बहुत बड़ा है ऐसे ही उनका दिल भी बहुत बड़ा है जी। वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, मौका भी देना चाहते हैं, अगर वो मौके का नहीं फ़ायदा उठा सके यहाँ के राज्य की, इस आपके जो है जम्मू और कश्मीर की तामीर और तरक्की में उन्होंने हाथ उनका नहीं था, क्योंकि उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, हमारा तो ना खाओ ना खान देनों का है, उनका है कि खाओ भी और खाने भी दो, तो दोनों में बहुत बड़ा जो है वो फ़र्क है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो ऐसे जितने भी जो एजेंडा रखने वाले थे, कम्युनल और करप्शन का एजेंडा रखने वाले थे, उनको अलग थलग करने का काम किया है, और इस देश के 130 करोड़ आवाम को जो न्याय मिलना चाहिए वो देने का काम हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी आप देखिए कितना बड़ा उन्होंने स्टेप उठाया था कि जब से कोरोना का लॉकडाउन लगा तो इसकी रियासत की जो है
जो जनता है उसके पीपल के लिए कितना बड़ा उन्होंने कदम उठाया, फ्री उन्होंने राशन आज तक भी दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो है एक बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड वालों को जो है उन्होंने जो 50 लाख रुपए तक का है, 5 लाख तक का अगर वो दे रहे हैं हम हेल्थ का गोल्डन कार्ड, तो यहाँ की तमाम जनता को दिया। हमने कहाँ भेदभाव करा, हम कहाँ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। वो इसको अलग अलग करना चाहते हैं। आज भी मैंने देखा, मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ तो उनके आदमी कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से हिंदू और मुसलमान को अलग करके हम चुनाव लड़ें। वो अलग अलग उनकी नीति पर चलना चाहते हैं, लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी ये कभी बर्दाश्त करेगी, क्योंकि हम जो है सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं, कहीं भी हम मतलब जो गैर बराबरी की बात नहीं करते, लेकिन वो हर जगह जो अपने रीजन के हिसाब से, जिले के हिसाब से राजनीति करते हैं, कहीं उनको सूट करता है तो गुपकार गैंग को इंटरनली। और कांग्रेस ने आज तक ये जवाब नहीं दिया। अभी भी मैंने देखा डोडा भद्रवा रजौरी और उन पुंछ के एरियो में, वहाँ पर अभी गैंग जो है वो इंटरनली मिला हुआ है, वो इंटरनली मिलकर जो है वो हमारे खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम के चैनल के, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी TRP है और आपका खास तरीके से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में एक गांव-गांव में आपका जो है चैनल देखा जाता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हम जम्मू ही कश्मीर के गैंग से नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो अलग अलग जो है ये गुपकार गैंग बनाए, उससे लड़ने की अगर कोई ताकत रखता है तो भारतीय जनता पार्टी और उस पार्टी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। हम इस भारत को एक रखेंगे, उनको ऐसी किसी भी स्थिति में नहीं पहुँचने देंगे कि वो यहाँ पर आकर यहाँ की जनता के लिए जिस तरीके से उन्होंने 70 साल तक छला है, आगे वो यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इरफान साहब, सदा विकास के ऊपर चलना चाहते हैं। आपने ये कहा कि जब ये हमारे साथ होते हैं तो हमारी विचारधारा के साथ चलते हैं, हमारी सोच के साथ चलते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, दिल्ली में स्टेटमेंट दी थी कि अगर 370 में किसी तरह की छेड़खानी की जाएगी तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। तब आप खामोश। अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अभी आपने देखा, अभी उनको कोई कंधा उनके लिए लगाने वाला कहीं नहीं मिलेगा, भले ही उनका कुछ भी एजेंडा हो। अभी आप सब जगह जाकर देखिए, ये तो हमारे यहाँ जो है उत्तर भारत में एक मिसाल है, कड़वा कड़वा थोर मीठा मीठा गप। तो आज क्या है, जब BDC के इलेक्शन हो रहे थे तो ये पूरा गैंग उसका बहिष्कार कर रहा था, लेकिन उसको लगा कि अगर हमने आगे भी ऐसा बहिष्कार रखा तो हमारे यहाँ परमानेंट जो हमारा शट डाउन हो चुका है उसमें बड़ा अलीगढ़ वाला ताला ला कर हमारे कार्यकर्ता आके लगा देंगे, तो फिर इनको एकदम जो है अंदर ही अंदर बैठे बैठे टेबल की राजनीति करते करते इनके दिमाग में आया और फिर इन्होंने गैंग बनाया। गैंग बनाकर DDC के इलेक्शन में अब इन्हें लोकतंत्र अच्छा लगने लगा, BDC के इलेक्शन में लोकतंत्र की हत्या इन्हें लगती थी, अब क्यों नहीं इनको क्यों नहीं बहिष्कार करा इन्होंने। लेकिन ये क्या करते हैं, परिस्थिति के हिसाब से चलना चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ की जनता का बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता बहुत भोली भाली है, बहुत अच्छी है, पीसफुल रहना चाहती है, कंधे से कंधा मिलाकर इस राज्य की तामीर और तरक्की में अपना योगदान देना चाहती है। क्या उनकी गलती है, अगर उन्होंने 70 साल तक इन्हें मैंडेट दिया तो क्यों उनके यहाँ बिजली नहीं पहुँचाई, क्यों उनके यहाँ पानी नहीं पहुँचाया, क्यों उनके यहाँ आज तक सड़क रोड और नाली नहीं बनी, उनकी क्या गलती है? तो वो सब सबक सिखाने के लिए DDC इलेक्शन में, क्योंकि ये ऐसा इलेक्शन है, इससे पहले क्यों नहीं उन्होंने आज तक कराया, क्या प्रॉब्लम थी? ये भारतीय जनता पार्टी क्यों इतने कड़वे घूंट पीती है, किस लिए? क्यों डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहती है, लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो यहाँ की जनता का बहाल रखना चाहती है, लेकिन वो उसमें रोड़ा अटकाना चाहते हैं। लेकिन आज वो रोड़ा अटकाने वाले खुद कहीं ना कहीं जो है रोड़ा बन जाएंगे और किसी न किसी से ठोकर खाकर। इरफान जी, क्या आप क्या जी क्या क्या आप ये मानते हैं कि ये चुनाव रायशुमारी होगी, इस बात को लेकर के कि जो फैसले आपने रिसेंटली लिए हैं 5 अगस्त 2019 को, उसके हक में है या उसके विरोध में है? देखिए जी, उनका तो बहुत, अभी हैदराबाद भी को का जो शहर है उसको भी आप घाटी की तरीके से मानो, वहाँ भी एक गैंग का बहुत बड़ा मेंबर है जो उधर का गैंग है, एक जो साउथ इंडिया का गैंग है उनका एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पर एक मेंबर है जो चार मीनार और उधर हैदराबाद की तरफ रहता है, वहाँ से लोकसभा में आता है जी। अभी हम उसको डिफीट दे काएं, तो ये इम्पैक्ट क्या है ये लोग समझ रहे हैं, और इसका 370 या 35 का किसी आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं हुआ आज तक, ना उन्हें 35 रुपये मिले ना 370 उनकी जेब में गए जी। ये सारे के सारा अगर जो कारोबार होता था 370 की आड़ में 35 की आड़ में, वो खाली है कि ये जो 3-4 परिवार थे इन्हीं को होता था, इसके अलावा कभी कोई बाहर जाता ही नहीं था। मैंने खुद देखा है, मैं श्रीनगर भी गया हूँ, बारामूला भी गया हूँ, अनंतनाग भी गया हूँ, बड़गाम भी गया हूँ, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से यूथ जिनको उनको 70 साल पहले रोजगार दे देना चाहिए था या 70 साल में रोजगार दे देना चाहिए था,
वो बेचारे आज भी मतलब सड़कों पे भटकते हैं, नहीं उनको पहनने के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं है, ठंड से बचने के लिए उन पर कपड़े नहीं है, तो क्या उन्होंने गलती की? अगर उन्होंने भरपूर इन दोनों को मैंडेट दिया तीनों को, तो क्यों इरवान नहीं साहब, उनका डेवलपमेंट करा? अब भी ये गैंग जो है, अब भी ये कश्मीरी आवाम को ये बरगला रहा है क्या कि 370 वापिस आ सके, 35 से वापिस आ सकता है, कोर्ट वापिस करेगी, इवन यहाँ तक कह देते हैं कि केंद्र सरकार हाथ जोड़ेगी और 370 वापिस भी देगी, साथ में पूछेगी कुछ और चाहिए क्या, वो तो ये बरगलाया जा रहा है। विनोद जी 75 साल 70 साल से वो झूठ की खेती पे तो इतने मतलब जो आ गए आज तक, तो अभी भी वो झूठ की खेती और जहर बोने की खेती जो है वो कर रहे हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी इस भारत का जो है एक नागरिक हूँ, तो क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं श्रीनगर में घर बना सकूँ, जी आपके जम्मू में घर बना सकूँ, डोडा या पुंछ में जाकर रह सकूँ? अगर मैं आप सबको ये अधिकार देता हूँ कि दिल्ली में आप अपनी कोठी बनाओ, अपना घर बनाओ, अपना फ्लैट बनाओ, तो क्या दिल्ली वाले का अधिकार नहीं है? ये तो पहले से जो भेदभाव था, और ये आज से नहीं, जो गुप्तार गैंग का बड़ा अलायंस का पार्टनर है, जी जो सामने नहीं आना चाहता, बैक से रहना चाहता है, उनके जो वारिस थे, नेहरू जी थे या शेख अब्दुल्ला थे, ये उन्होंने जानबूझ के ये गेम खेला, नहीं तो आज हम कितनी तामीर और तरक्की हमारी होती। ये हमारा मुकुट है, ये हमारा भारत का ताज है, उस ताज में अगर छेद करने का अगर किसी ने काम किया तो इन दोनों ने किया। बाद में इनके गेम के तीसरे जो है वो मुफ्ती साहब हो गए, जी लेकिन वो फिर भी इनसे बजाते खुद जो है वो अच्छे आदमी थे, और वो फिर भी उनके दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ राष्ट्रवादी भावना रहती थी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे मुजफ्फरनगर से 89 में वहाँ से चुनाव जीत के आए थे, देश के गृह मंत्री भी बने थे, जी लेकिन ये अगर 87 में अगर ये अब्दुल्ला परिवार इस तरीके की जो है जीतने की खाली कुर्सी और सत्ता की लालच में आने से इतना बड़ा अगर जो है वो मैंडेट को दबा कर, और जो यहाँ पर आदमी लड़ रहे थे अगर वो जीत कर वो अपनी सरकार बना लेते तो इतना बड़ा आतंकवाद का पहाड़ नहीं खड़ा होता। ये तो जानबूझ के इनकी दयन है, और ये चाहते ही है कि देश जो है एकदम अलगाववाद की तरफ हो, आतंकवाद की तरफ हो, लोग सड़कों पर रहें, तब इनकी दुकानदारी चलती है, तब ये माल कमा सकते हैं। लेकिन आज जो है पूरे हिंदुस्तान में पीसफुल माहौल है, जी सब हिंदुस्तानी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसकी तामीर और तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो इनके लिए जो है वो अच्छी बात नहीं है। इन गैंग के लिए ये चाहते हैं कि उथल पुथल हो। जी इरफान जी, आखिर में ये जानना चाहूंगा कि जिस दिन काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, लोग जरूर ये सवाल पूछेंगे कि 370 के बाद रिजल्ट निकले हैं, अगर आपके फेवर में नहीं जाते तो बहुत सारी बातें भी उठेंगी। देखिए, हम किसी फेवर के लिए या उसके लिए चुनाव नहीं लड़ते, हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव लड़ती है, और किसी भी चुनाव को वो नॉन सीरियस नहीं लेती। जी अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक कांग्रेस के नेताओं से, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ, या और जो उनके कर्णधार हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस आपके जम्मू कश्मीर के माटी के लाल, उनके बड़े नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में, क्या उनका उन्होंने हाल करावा है? गुलाम नबी आज़ाद जी का, उनके जो समर्थक है मैंने खुद देखा है, वो कैसे जो है अलग थलग पड़े हुए, वो कितनी दफ़ा यहाँ प्रचार करने आए, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर यहाँ के जो है वजीर आला चीफ मिनिस्टर रहे, तो जिन आदमियों के बारे में इतना बड़ा भाई भतीजावाद हो, जो एक ख़ानदान से निकलने की उनमें ताकत ना हो, सब जगह जो है आपने देखा होगा, एक एक ज़माना था 416 सीट थी कांग्रेस की, आज कितनी है? 44 पे सिमट गई है। इतना तो कभी कभी जो है जम्मू का जो टेम्परेचर हो जाता है 44, तो उससे भी नीचे। और अगले चुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 14-15 पे ही आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके की इनकी हरकत है, तो हरकत से ही बरकत होती है उनका। ना तो वो देश के लिए कोई काम करते हैं, ना वो अपनी पार्टी के लिए कोई काम करते हैं, ना अपने कार्यकर्ताओं के लिए कोई काम करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ छोटे से छोटा, जी आधने से आधना कार्यकर्ता उस पार्टी का, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, देश का वजीर आजम भी बन सकता है, इस रियासत का वजीर आला भी बन सकता है, लेकिन वहाँ पर तो गांधी के अलावा किसी की कहीं गिनती नहीं है। जी पार्टी भाड़ में लेकिन जाए, वो इरफान तो अपना जी, खानदान के लिए। आजाद साहब से प्रेम स्नेह, इसकी वजह क्या है? नहीं, हमारे किसी से कोई प्रेम स्नेह नहीं है, ये तो जो चीज़ नज़र आ रही है, और ये मैंने कोई वहाँ उस टाइम पर कॉरेस्पॉन्डेंट बन के मैंने नहीं इंटरव्यू किया, उन्होंने खुद सभी चैनलों को इंटरव्यू दिया, उनके जो दिल में चल रहा है उन्होंने जो है अपनी जबान पर लाकर उसे बताने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि भी हमारी पार्टी अब खाली जो है 5-स्टार होटल की रह गई है, जी वहाँ बैठकर टिकट बांटे जाते हैं, उसमें भी पैसे लिए जाते हैं, फिर उनको अगर प्रचार के लिए जा रहे हैं तो बड़ी मर्सिडीज चाहिए या BMW चाहिए या बड़ी इनोवा गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने, हमने नहीं बताया, ये तो उन्होंने खुद आकर जो सब प्रेस में बयान दिया। उसके बाद में उनका जो है, मुझे ऐसा लग रहा है
कि इस बयान के बाद, क्योंकि वहाँ पर कोई सच्चाई तो बोल नहीं सकता। तो जो उनका बचा कुचा जो बुढ़ापे का जो पीरियड है बेचारों का, वो भी लग रहा कि अंधकार में वो भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में वो रोशनी देखकर अपने घरों में रह रहे हैं। लेकिन उस रोशनी को भी हम उनके घरों से निकाल कर वो एक गरीब आदमी के, इस रियासत के गरीब आवाम के पास जो है हम वो देना चाहते हैं, और उनका अंधकार से ख़त्म करके रोशनी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इरफान जी, आप हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अब हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, और जो कल 8 दिसंबर को बंद का आह्वान किया गया, भारत बंद का, उसको जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स ने समर्थन किया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है, प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाए और जो डिमांड्स किसानों की है, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, उनकी डिमांडों को पूरा किया जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। साफ की दस्तक एक हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बहुत बड़ी मुहिम है कि न्याय और न्यायपालिका, दूर दराज के लोग जो कई महीने बर्फ से ढकी चादर से ढके होते हैं और कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं, या कोर्टों से बहुत दूर है, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर, जहां पे बहुत मुश्किल हालात है और ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक वो कम्युनिकेशन नहीं है, सड़कें नहीं है, तो वहाँ पे हमारे जज चल के जाएंगे कैंप कोर्ट्स पे, दूर दूर लोग तक फिक्स करके डेट्स, कितने केसेस है ये हमने निर्मित किया है, और जजेस जाएंगे स्टाफ के साथ फाइल्स लेके इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और उन लोगों के केसेस जो दूर दराज में है वहीं उनमें प्रोसीडिंग्स होंगी और फैसले किए जाएंगे। ये जज सिर्फ न्यायपालिका को नहीं कोर्ट तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, पेंशन स्कीम्स हैं, लड़कियों के लिए गवर्नमेंट के बहुत वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, डॉक्टर्स की कमी है तो प्राइमरी हेल्थ एक्सपर्ट्स साथ जाएंगे, बैंक के मैनेजर ले जाने की कोशिश है, ये सारे रोल हमारे कैंप कोर्ट्स डिस्चार्ज करेंगी दूर दराज के इलाकों में है, जिसपे कागजी कार्रवाई हो सकती है, और केस के पर्टिकुलर जो जज को ज़रूरत है केस का फैसला करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, उनको पैरालीगल वॉलंटियर लिटिगेंट को समझाएगा, वो भरे जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से, ईमेल से, फैक्स से, जिस भी तरीके से, व्हाट्सएप से कोर्ट तक पहुंचाया जाएगा, वो कोर्ट में डाउनलोड किए जाएंगे, कोर्ट सर्विस सेंटर्स हमने नियुक्त कर दिए हैं, डाउनलोड किए जाएंगे, प्रिंट किए जाएंगे, जज के सामने पेश किए जाएंगे, और जिस मोड से वो केस जज के पास पहुंचा है उसी मोड से लिटिगेंट तक पहुंचाया जाएगा। हम डिलीवर करेंगे कागज को, ऑर्डर को कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स को और पोस्ट ऑफिसर्स को, और वो पहुंचवाएंगे पैरालीगल वॉलंटियर और पुलिस के तहत वो लिटिगेंट को, और जो दूसरी पार्टी है जिसके खिलाफ स्टे ऑर्डर हुआ है। या टुडे यू सॉ द फाइलिंग ऑफ केस फॉर मेंटेनेंस बाय अ फादर इन ले एंड अनदर केस फॉर अर्जेंट रिलीफ इन बारामूला। वी होप फ्रॉम टुमारो, you know, there will be other litigants as well. We have established 11 camp courts. We have trained the staff of community service centers and post offices. This training has been going on for 2 years almost. And we are extremely grateful, the High Court of Jammu and Kashmir, grateful to the common service centers, scheme of the Government of India, as well as the Department of Posts, which has so willingly joined us in our efforts to secure the ends of justice to everybody in Jammu and Kashmir as well as Ladakh. दर्शकों, आज चौथे चरण का मतदान था, और आज भी मतदान 50% से ज्यादा रहा, यानी 50% से ज्यादा है, 50.08% मतदान आज हुआ है। अगर जम्मू की बात करें तो 69.53% मतदान हुआ, और कश्मीर की बात करें तो 31.95% मतदान हुआ है। चौथे चरण में भी इतने मतदाता खुलकर के बाहर आया, लोकतंत्र पर अपना विश्वास जाहिर करते हुए उन्होंने अपना वोट डाल करके अपने नुमाइंदे को चुनने का फैसला लिया है। के शर्मा जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। वी हैड पोलिंग फॉर टोटल ऑफ 34 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड ऑल्सो फॉर द पंच एंड सरपंच बाई इलेक्शंस। फॉर द 34 district development constituencies, 17 were in Kashmir division and 17 were in Jammu division. A total of 364,527 people
have come out to vote in entire Jammu and Kashmir in the phase 4. This makes a overall voting percentage of 50.08%. आज जम्मू प्रोविंस में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है पुंछ में 75.42%, मैक्सिमम पोलिंग परसेंटेज इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू प्रोविंस. इज फॉलोड बाय डोडा 75.03%, फॉलोड बाय सांबा 71.97%. सांबा इज 71.97%. जम्मू डिस्ट्रिक्ट इज 71.80%. सबसे ज़्यादा वोटिंग आज हुई गांधरबल में 56.28%. सो द मैक्सिमम वोटिंग पोलिंग परसेंटेज इज इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर विच इज़ 56.28%. बारामूला इज 47.43%. बांडीपुरा इज 45.22%. कुपवारा इज 44.35%. बडगाम इज 38.04%. एंड देन इट कम्स डाउन मेकिंग एन एवरेज ऑफ 31.95 डिस्ट्रिक्ट. दिस टाइम शोपियां रजिस्टर्ड द लोएस्ट वोटिंग. पुलवामा इज 6.7% दिस टाइम. तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.